वर्षा नानी, आप सबका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो कि है स्पेशली डार्क सर्कल। जी हाँ, डार्क सर्कल जो की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी हमेशा बढ़ती ही है, वो कभी भी कम नहीं होती। हालांकि बाजार में उसके बहुत सारे यू नो क्रीम्स भी अवेलेबल है, आप वो भी परचेज करके लगा सकते हैं, बट वो क्या है, वो कॉस्टली होती है। एंड जब तक आप उसको यूज करेंगे तब तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहाँ आपने उसको लगाना बंद किया वहाँ आपके डार्क सर्कल्स फिर से अपेयर या फिर से विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि स्लीप साइकिल की वजह से। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, आपके में तनाव ज्यादा है, या यू नो आपकी स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब है, मतलब कि आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटे आप नींद नहीं ले पा रहे, या तो ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि आपके घर में यू नो मम्मी पापा को है डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, तो वो हमारे अंदर भी, ये भी हेरिडिटी का ही मतलब फैक्टर होता है, इस वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स होता है। जैसे कि हमारे मम्मी पापा को, जैसे ऐसा नहीं है शुगर बीपी, डार्क सर्कल्स भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, जैसे कि यू नो अगर आपके घर में मम्मी पापा को है तो वो आपके में भी ट्रांसफर हो जाते हैं विद जीन्स। एंड थर्ड जो फैक्टर है वो है हमारा लाइफस्टाइल। जी हाँ, हम लोग अब जंक फूड या बाहर का खाना अपनी प्रॉपर स्किन केयर नहीं कर पाते, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो इस वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। एंड फोर्थ इसका कारण है कि वो है आयरन की डेफिशिएंसी, जैसे कि खून की कमी। खून की कमी की वजह से भी हमारे फेस पे हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। पर जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, ये कम नहीं होती है, तो हमें समय रहते इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जो होती है वो उसके साथ हमें पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है एक हद तक। अगर आपके डार्क सर्कल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आपके आईज के अराउंड पिगमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। पिगमेंटेशन मतलब कि छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज ये होम रेमेडी जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको आप इंस्टेंट बना के अपने फेस पे या अपने आईज के अराउंड लगा सकते हैं। एंड आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, ताकि जब भी आपको टाइम ना मिले तो आप सिर्फ फ्रिज में से उठाइए एंड आप चीज़ें उसको अपने आईज पे अप्लाई कर दीजिए। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड उसी के बगल बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से वीडियोज अभी मेरे फ्यूचर में आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की होम रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक आलू जो कि मैंने छील लिया है, एंड आधा खीरा। आप एक भी खीरा ले सकते हैं पूरा, बट उससे क्या है ये जो रेमेडी है वो बहुत ज्यादा बन जाएगी। अगर आपको स्टोर करके रखनी है तो आप एक खीरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा खीरा लिया है, आधा आलू लिया है, उन दोनों को छील लिया है, एंड उसको मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक थाली भी लिया, उसमें मैंने एक कॉटन का हैंकी बिछा दिया है, एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ एक आलू एंड आधा खीरा। इस तरीके से मैंने दोनों को ग्रेट कर लिया है, मिक्स कर लिया है, उसी के ऊपर आलू के ऊपर ही मैंने खीरा ग्रेट किया है, उसको आराम से मैंने ग्रेट कर उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। एंड कॉटन के हैंकी में मैंने उसका रस निकाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ग्रेट कर लिया है एंड उसका मैंने अब यहाँ पे रस निकाल दिया। ये इसका एक लिक्विड बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैं मिक्स करूंगी 2 से 3 एलोवेरा जेल की 2 से 3 बूंदे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि आपके ऊपर है कि आप इसमें मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। वैसे ये है कि ये इससे इसके बेनिफिट ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्लीज उसको इसमें मिक्स कर लीजिए, उससे इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा मिल जाएंगे। आलू क्या करता है हमारे स्किन के अराउंड, यहाँ पे आईज के अराउंड जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है, आईज के अराउंड एंड नोज के अराउंड। ये उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेता है। एंड अनइवन स्किन टोन जो हो जाता है हमारे आईज के अराउंड, उसको भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। खीरे की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं वो एक तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, जो कि हमारी स्किन में, हमारी जो यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा यू नो लाइट होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो उसमें तो पफिनेस आ जाती है हमारे स्किन के अराउंड, उसको भी रिड्यूस करता है, डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करता है। एंड अगर यहाँ पे आपकी यू नो बहुत ज्यादा डिसकलरेशन है एंड बहुत ज्यादा यू नो डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हद तक है, तो उसको भी काफी हद तक ट्रीट करेगा। गुलाब जल एज इन मैंने यहाँ पे यूज किया है एज इन फ्रेगनेंस। एलोवेरा जेल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी स्किन इरिटेशन लेवल को या किसी भी तरीके से आपको ये रेमेडी सूट नहीं कर रही, आपको ऐसा लगता है, तो आपको जरूर इसमें एलोवेरा जेल मिला लेना चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। तो उसमें मैंने पिक्स कर दिया है एलोवेरा जेल, एंड ये उस तरीके से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डिप कर रही हूँ कॉटन के पैड, जो कि हमारे मेकअप रिमूविंग पैड्स होते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन को यू नो इस तरीके से प्लेन करके, इसे यू नो फ्लैट करके आप उसमें वो डिप करके अपने आईज पे लगा लीजिएगा। इसको आपको रखना है 10 से 15 मिनट्स, एंड ये आप रोज के रोज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको हार्मफुल इफेक्ट्स दे। रख सकते हैं एज एन
बिना कोई टाइम वेस्ट किए या बिना कोई टाइम यूज किए आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। इससे हमें हमें एक हफ्ते के अंदर ही हमें काफी हद तक अच्छे से इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आप इसको रोज यूज करेंगे तो काफी हद तक इसके रिजल्ट विजिबल हो जाएंगे हफ्ते के अंदर। जी हाँ, आप इसको रोज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हार्मफुल लगे। आप इसको रोज के रोज यूज कर सकते हैं। एंड आप इसको ऑब्वियस अगर आप ज्यादा टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको बना के स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो आई होप ये आपकी ये जो रेमेडी काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये काफी अच्छा तरीका है हमारे डार्क स्पॉट्स हो गए, यू नो पिगमेंटेशन हो गया या डार्क सर्कल्स हो गए, इन सब प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करने का ये काफी अच्छा तरीका है एंड काफी सिंपल भी है। ये तो हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद है। एंड अगर आप जब भी ये रेमेडी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी एंड कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही। मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी क्योंकि मैं ये खुद ये ट्राई करती हूँ अपनी डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए या उनको कम करने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।